बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुशासन। आज अनुशासन का अभ्यास देखेंगे। बच्चों पढ़िए, समझिए और लिखिए। विद्या प्लस आलय, विद्यालय, इसी तरह इसको भी लिखना है। अनु प्लस शासन इज इक्वल टू अनुशासन। वृद्ध प्लस अवस्था, वृद्धावस्था। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ग्रह प्लस कार्य इज इक्वल टू गृह कार्य। हिम प्लस आलय, हिमालय। इन शब्दों के लिंग बदलिए। पिता, माता, लिंग बदलने से माता। युवक, युवती। विद्वान, विधुवी। भाई, बहन। शिक्षक, शिक्षिका। नए शब्द बनाइए। निश्चित, निश्चय प्लस इत। इत को निश्चय के साथ जोड़ना है, जोड़ने के बाद निश्चित बनता है। नियम प्लस इत, नियमित। अनुशासन प्लस इत, अनुशासित। लिख प्लस आवट, लिखावट। आदर प्लस था उदर, प्लस था उदरता। पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। विनम्र प्लस था विनम्रता। अनु प्लस करण, अनुकरण। इधर बच्चों क्रिया की विशेषता जो है बताते, क्रिया विशेषण वे हैं कहलाते। क्रिया की विशेषता जो है बताते, क्रिया विशेषण वे हैं कहलाते हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वर्ब, दे आर कॉल्ड एडवर्ब। सही क्रिया विशेषण शब्द चुनकर टिक लगाए। क्रिया विशेषण एडवर्ब, अथवा, के पास, क्योंकि, परंतु, इसका क्रिया विशेषण है के पास, उसको टिक लगाए। के ऊपर वह, धन्य, अचानक, अचानक पर टिक लगाएं। अभी, चूंकि और धीरे धीरे पर टिक लगाएं। के सामने प्रतिदिन, भीतर बाहर, भीतर पर टिक लगाएं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य के खाली स्थान भरिए। अनुशासनहीनता से डैश रुक जाती है। इधर आंसर है बच्चों, इधर उत्तर है उसके। अनुशासन से डैश रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है, उन्नति लिखना। अनुशासित लोग डैश बनाकर बस की प्रतीक्षा करते हैं। अनुशासन लोग पंक्ति बनाकर, लाइन बनाकर बस की प्रतीक्षा करते हैं। अनुशासन व्यक्ति और समाज की डैश है, अनुशासन व्यक्ति और समाज की शोभा है। सहपाठियों से प्रेम और उदारता का व्यवहार करना डैश है, अनुशासन करना। पढ़ने के समय डैश और खेलने के समय खेलते हैं, पढ़ने के समय पढ़ते हैं और खेलने के समय खेलते हैं। नीचे कुछ विलोम शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर आमने सामने लिखना है। अनियमित, दुख, असुविधा, असावधानी। सुख, नरक, अवनीत, सावधानी। स्वर्ग, सुविधा, नियमित, उन्नति। इनको अलग करके विलोम में बदलना है। सुख, सुख का विलोम है दुख। सावधानी, सावधानी का विलोम है असावधानी। स्वर्ग, स्वर्ग का विलोम है नरक। सुविधा, सुविधा का विलोम है असुविधा। नियमित, नियमित का विलोम है अनियमित। उन्नति, उन्नति, उन्नति का विलोम अउन्नति। बच्चों इधर कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं, उनको देखिए। अनुशासन का क्या अर्थ है, अनुशासन का क्या अर्थ है? नियम पालन करना ही अनुशासन का अर्थ है, नियम पालन करना ही अनुशासन का अर्थ है। सड़क के नियमों की उपेक्षा करने से क्या होता है, सड़क के नियमों की उपेक्षा करने से क्या होता है? सड़क के नियमों की उपेक्षा करने से भयानक दुर्घटना के अनायास शिकार बन सकते हैं। सड़क के नियमों की उपेक्षा करने से भयानक दुर्घटना के अनायास शिकार बन सकते हैं, अनायास अचानक शिकार बन सकते हैं। तीसरा
प्रश्न, कैसा घर स्वर्ग के समान सुंदर और प्रशंसनीय होता है? कैसा घर स्वर्ग के समान सुंदर और प्रशंसनीय होता है? उत्तर है अनुशासित घर। अनुशासित घर स्वर्ग के समान सुंदर और प्रशंसनीय होता है। चौथा, किसी संस्था में नियमों का पालन ठीक तरह से होने से क्या लाभ होता है? किसी संस्था में नियमों का पालन ठीक तरह से होने से क्या लाभ होता है? उत्तर है, किसी भी संस्था में नियमों का पालन ठीक तरह से होने पर उनकी व्यवस्था उत्तम रीति से चलती है और उन्नति बढ़ती है। किसी भी संस्था में नियमों का पालन ठीक तरह से होने पर उनकी व्यवस्था उत्तम रीति से चलती है और उन्नति बढ़ती है। बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर प्रैक्टिस करना।